एक मित्र ने लिखा है कि अक्सर अध्यात्म में मन की चर्चा होती है, तो ये मन क्या है, और मन के साथ ही वो पूछते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की बात भी होती है, तो ये अवचेतन मन भी ठीक ठीक क्या है। देखो, मन या जो माइंड, ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थों में उपयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में जो माइंड है उसका ठीक ठीक ट्रांसलेशन मन नहीं है। अगर हम माइंड की बात करें तो जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, यानी कि ब्रेन की जो टोटल फंक्शनिंग है, उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, उनका कॉम्बिनेशन और जितना भी उसके अंदर एक्टिविटी का पार्ट है, रिस्पांस का पार्ट है, उस सब का जो एंड रिजल्ट है उसको माइंड कहते हैं। लेकिन जो मन शब्द है, भारतीय दर्शन में हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो थोड़ा व्यापक है। मन में हम ब्रेन की फंक्शनिंग का तो उपयोग करते ही हैं, लेकिन हम जो हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे अनुभव, उन सब का जो एक संग्रह है, उनका जो कलेक्शन है, धारणाएं हमारी, हमारे जो कंडीशनिंग के पार्ट हैं, संस्कार बद्धताओं के, उन सब का कलेक्शन, उसको हम मन कहते हैं। तो दोनों एक जैसे होते हुए भी थोड़े अर्थों में अलग हैं। मन थोड़ी व्यापक घटना हो जाती है। माइंड को हम एग्जैक्टली कह सकते हैं इट इज़ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, टोटल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अब ये सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन जो है, इसको भी हम बहुत स्पष्टता से समझें। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन का अर्थ है हमारे मन का वो हिस्सा जो हमारे चेतन मन से छुपा हुआ है और वो हमारी इच्छा के बिना अपना काम करता है, इनवॉलेंट्री, यानी कि उसमें हमारी इच्छा शामिल नहीं है। चेतन मन, उसमें हमारी सारी इच्छाएं शामिल हैं, हम अपने ढंग से काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड उसको कह रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन उसको कह रहे हैं जो हमारी इच्छाओं से नहीं चलता, वो बस चल रहा है पीछे, क्योंकि उसमें तमाम तरह की प्रक्रियाएं शामिल हो गई हैं। अब जैसे तुम देखो, हमारे शरीर में रक्त बहता है, उसका हमें पता नहीं चलता, वो अवचेतन मन का हिस्सा है। हमारे शरीर की तमाम प्रक्रियाओं को हमारा अवचेतन मन संचालित करता है। हमारी पलकें झपक रही हैं या हमारा जीवन का तमाम ऐसा हिस्सा, हमें कुछ याद आता है, स्मृतियों का हिस्सा, वो सब अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। वो हमारे चेतन मन की क्रिया पर आधारित नहीं है। इसीलिए जैसे हम कुछ याद करना चाहते हैं तो हमारा चेतन मन हो सकता है उसके प्रति अभी जागरूक ना हो कि हमको क्या पता है, हमारी स्मृति में क्या रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं। जैसे ही हम अपने कॉन्शियस प्रोसेस में आएंगे और कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो हमको तुरंत वो चीज़ें याद आ जाएंगी। हमको अभी नहीं पता है कि कहाँ पर हमारे अंदर वो स्मृति छुपी हुई है, वो अवचेतन मन का हिस्सा। इसीलिए अवचेतन मन को सक्रिय करके हम तमाम तरह की स्मृतियों से अपने आप को भर सकते हैं, उनके प्रति जागरूक हो सकते हैं। शरीर की वो प्रक्रियाएं भी जो अवचेतन मन के हिसाब से चलती हैं, किसी कारण विशेष में ही हम उनके प्रति जागरूक होते हैं। तो अवचेतन मन इस चेतन मन के पीछे छुपा हुआ हिस्सा है जो बहुत व्यापक है, इसीलिए कभी कभी बड़ा चमत्कारिक भी हो जाता है। लोगों को लगता है अरे ये कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल हमें संभव ही नहीं जान पड़ रहा था, लेकिन अवचेतन मन को पता थी वो बात। फिर इसके पीछे हमारा अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड देखा जाए वो बिल्कुल स्टोर हाउस की तरह है। अवचेतन मन अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में है, यानी कि वो फंक्शन में है, वो एक्टिविटी में है, वो क्रिया में है, लेकिन हमसे छुपा हुआ वो सारा काम कर रहा है। अचेतन मन एक संग्रह की तरह हो गया है, स्टोर हाउस की तरह, जितनी भी हमारे अनुभवों, स्मृतियों, धारणाओं की प्रक्रिया है वो अचेतन मन के संग्रह में इकट्ठी हो चुकी है, और अवचेतन मन उसमें एक्सेस करता है, वहाँ से वो निकलती है, फिर हमारे चेतन मन का हिस्सा बन जाती है।
तो वो चेतन और अचेतन के बीच यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो बहुत महत्व का है और इसीलिए उसकी क्षमताएं भी बहुत ही व्यापक हैं।